छत्तीसगढ़ अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक चुनाव होने वाला है 11 मार्च को ये चुनाव होगा, और इसके लिए उपाध्यक्ष पद के लिए दंतेवाड़ा जिले से सतीश प्रेमचंदानी और महामंत्री के लिए विक्रम भाई खड़े हैं मंत्री पद के लिए। तो ये जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो व्यापारी एकता पैनल का चुनाव है, पहली बार ऐसी नौबत आई है कि इसमें चुनाव जैसी प्रक्रिया हो रही है। तो हम सतीश से ही जानना चाहेंगे कि सतीश भाई मेरे को ये बताएंगे कि कितने सालों से इस तरीके का मतलब आप लोग चुनाव या मनोनीत कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिला में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नींव रखी थी हमने आज से 9 साल पहले, और तब से आज तक किसी प्रकार का चुनाव जैसा यहाँ पे कभी भी ऐसा नौबत नहीं आया कि चुनाव कराना पड़े। यहाँ पे व्यापारियों में बहुत एकता है, सामंजस्य है, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर हर कोई खड़ा होता है। किंतु इस लगातार 3 चुनावों में मनोनयन हुआ दंतेवाड़ा जिला के लिए, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे चुनाव की नौबत आई है। और चुनाव की नौबत आने का कारण है कि कुछ असंतुष्ट कुछ व्यापारी एक दो हैं जिन लोगों के मन में ऐसा आया कि यहाँ पे चुनाव होना चाहिए, और चुनाव कराना यहाँ के व्यापारियों के लिए एक ऐसा स्थिति पैदा हो जाता है कि व्यापारियों का आपस में बहुत अच्छा एकता है, और ऐसे चुनाव की स्थिति में उन लोगों के बीच में मनमुटाव जैसा स्थिति पैदा हो रहा है। और आने वाले भविष्य में मैं यही चाहूँगा कि कभी भी दंतेवाड़ा ज़िले में इस तरीके का नौबत नहीं आना चाहिए, आपसी सहमति से कोई भी चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपसी सहमति से सारा काम होना चाहिए, मगर चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें कोई खड़ा होता है तो इसमें से भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मतों के अधिकार से ही लोगों को चुना जाता है। तो विक्रम भाई मेरे को बताओ क्या लगता है इस चुनाव को लेकर के आप? इस चुनाव में जो एकता पैनल है निरंतर ही छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व करते आ रहा है, पूर्व में भी श्रीचंद सुंदरानी जी हों, पूरनलाल जी अग्रवाल जी हों, ये निरंतर छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के हितों में यहाँ से लेके केंद्र तक, मंत्री से लेके अपने कैबिनेट मंत्रियों तक, सब पे दबाव बना के निरंतर व्यापारियों के हित में काम किया जा रहा है। जैसा कि अभी जो GST को लेकर भी जो भ्रांतियाँ फैल रही थी कि उसको लेकर भी हमारे जो रायपुर के जो सांसद हैं सोनी जी, उनके द्वारा सीतारमन जी से बात हुई थी, जिसमें कि चैम्बर के लेटर हेड में पूरी समस्याओं को लिख के दिया गया था, जिसका यथाशीघ्र निराकरण करने का आश्वासन सीतारमन जी से मिला है, जिसे लेके कि इसी कारण से छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने केट का जो बंद आह्वान किया गया था उसको समर्थन ना देने की अपील की थी। तो बिल्कुल आपने सुना कि ये सतीश प्रेमचंदानी जी, और इन्होंने बताया कि व्यापारियों में काफ़ी एकता होती है और व्यापारी हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, मगर जब संतोष पनपता है तो फिर चुनाव जैसी प्रक्रिया आ जाती है। हमारे साथ DM सोनी भी मौजूद हैं, आइए हम उन्हीं से DM सोनी जी से ही जानते हैं कि क्या। जी मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा पहला मौका है जब व्यापारियों को, यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्हें चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो नींव रखी गई थी वो हमारे सतीश प्रेमचंदानी जी, हमारे जो अभी अभी दावेदार हैं उपाध्यक्ष पद के, उनके द्वारा रखी गई थी, और हम लोगों ने पूरी मेहनत करके यहाँ के ज़िले को, दंतेवाड़ा जैसे सुदूर इलाके को राज्य से जोड़ना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी मेहनत का काम था। यहाँ के व्यापारियों की समस्या हो या आप यहाँ के व्यापारियों की आवाज़ को अगर पहुँचाना हो राज्य तक या राज्य सरकार तक, तो एक माध्यम था ये, और हम लोगों ने मतलब बहुत अच्छा प्रयास किया और एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर निर्मित था, और हर बार ऐसा होता था कि आपसी मनोनयन से चुनाव हो जाता था, चुन लिया जाता था प्रत्याशी। परंतु इस बार कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए और व्यापारियों में मतभेद पैदा करने के लिए, और इसके अलावा इतना भी नहीं, मतलब इसके अलावा कितनी मुझे शर्म महसूस होती कहने में कि राजनीतिक पार्टियों का नाम लेके चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा दुख का विषय है। और इस प्रकार से अगर व्यापारियों में मनमुटाव की स्थिति पैदा होगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं व्यापार में नुकसान होगा, और आपस में जो सामंजस्य है व्यापार जो करते हैं व्यापारी आपस में मिलके, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ेगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भविष्य में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर चुनाव की स्थिति ना हो, और व्यापारी एकता पैनल जो कि सबसे पुराना पैनल है, चैम्बर में भी पहले मनोनयन से ही सारी चीज़ें होती थी, अब धीरे धीरे जैसा कि भाई साहब ने बताया कि असंतोष जनक लोगों
की वजह से ही चुनाव की का सामना करना पड़ता है, और व्यापारिक संगठनों में चुनाव होना भी नहीं चाहिए। और हम लोग व्यापारी एकता पैनल को पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जितने भी सदस्य हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर के, सारे लोगों का पूरा समर्थन है योगेश अग्रवाल जी को, और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत प्राप्त होगी उन्हें।